एंड वेलकम बैक टू हीलिंग विद आयुर्वेदा। फिर मैं डॉक्टर रुचि इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस मैसेज के साथ कि अगर आप आशा करते हैं एक स्वस्थ जीवन जीने की तो आपको आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक और चमत्कारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के बारे में, एक और आयुर्वेदिक शास्त्रीय मेडिसिन के बारे में। इसका नाम है वासावले। ये बनता है वासा के पौधों से और इसमें बड़ी पिपली का भी प्रयोग किया जाता है। वासा, जिसे हम अड़ूसा भी कहते हैं, वासा और बड़ी पिपली, ये दोनों अपने आप में बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं और इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो इसका असर और कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन हेल्थ कंडीशंस में हम वासावले का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है किसी भी तरीके की खांसी हो, ज़ुकाम हो, आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना डरे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स किसी भी तरीके की खांसी जुखाम में वासावले के उपयोग से देखने के लिए मिलता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है एस्थमा। एस्थमा किसी भी उम्र में हो, बच्चों में हो या बुज़ुर्गों में हो, किसी में भी हो, आप वासावले को बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत ही अच्छा आराम आपको इससे मिलता है। तीसरी जो बीमारी है जिसमें वासावले बहुत अच्छा काम करता है वो है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड खांसी। उसमें भी बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, इसका रिस्पांस देखने के लिए मिलता है। चौथा हेल्थ कंडीशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो एक तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो आगे बढ़कर कोलोन कैंसर तक आपको पहुंचा सकता है, वो भी वासावले की मदद से ठीक हो सकता है, क्योरेबल है। पांचवा, ये आपके कार्डियक पेन में बहुत यूज़फुल है। आप वासावले का सेवन अगर इस कंडीशन में करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा। छठी जो कंडीशन है उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अगर कहा जाए कि आप ज़ोर से सांस अंदर खींचिए तो वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें परेशानी महसूस होती है। ऐसा तब होता है जब आपके फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। इस कंडीशन में भी आप वासावले का जब सेवन करते हैं तो आपके फेफड़ों को ये मजबूत बनाता है, फेफड़ों के लिए एक तरीके का ये टॉनिक है। तो अगर सांस से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की परेशानी है, श्वास संबंधी किसी भी तरीके का रोग है तो आप वासावले को ले सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ये आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है, उसे शक्ति प्रदान करता है, फेफड़ों में जितने भी जमे हुए कफ है उसे ये बाहर निकालता है। एयर सैक्स जो फेफड़ों में होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पस जमा हो जाता है, उस कंडीशन को वासावले लेने से हम हील कर सकते हैं। ये बीमारी वासावले जब आप लेते हैं तो ये कम्प्लीटली क्योर हो सकती है। बहुत अच्छी दवाई है, बहुत चमत्कारी दवाई है। इसे आप लें, इसका उपयोग करें और इसके रिजल्ट ज़रूर देखें। कुछ लोगों को अक्सर ये परेशानी होती है जिसमें नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है, इसे रक्त पित्त भी कहा जाता है आयुर्वेद में। ऐसी परेशानी में वासावले लेने से अच्छा लाभ देखने के लिए मिलता है। वैसे तो ये एक दवाई है लेकिन इसके बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहले तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, एंटी एस्थमेटिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी ट्यूबरक्यूलर है और एंटी अल्सरेटिव है। इस तरीके के कई सारे गुण वासावले में मौजूद हैं। वासावले ना केवल इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, उसे मजबूती प्रदान करती है, उसे प्रभावशाली बनाती है, उसे सही ढंग से काम करना बताती है, सिखाती है, साथ ही साथ ये हिपेटोप्रोटेक्टिव भी है, यानी कि आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ वासावले को एक बहुत अच्छी औषधि बनाती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इसकी सेफ डोज के बारे में, किस मात्रा में हमें वासावले को लेना है। इस दवाई के साथ ऐसा है कि आप इसे किसी भी उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं। उम्र के हिसाब से डोज चेंज हो जाता है, बदल जाता है। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे को अगर आपको वासावले देना है तो आप आधा छोटा चम्मच वासावले दिन में 2 से 3 बार उसे दे सकते हैं। वासावले लेने के बाद हल्का गर्म पानी पीने के लिए दें। 5 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो डॉक्टर से इसके डोज के बारे में ज़रूर परामर्श एक बार आप कर लें देने के पहले। वैसे ये बहुत ही सेफ मेडिसिन है, आप दे सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि बिना चिकित्सकीय परामर्श के आप इसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दें।
सही मात्रा में अगर छोटे बच्चों में ये दवाई दी जाती है तो छोटे बच्चे जो एलर्जिक हैं, जिन्हें एलर्जिक एस्थमा की प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत ही असरदार दवाई है। बड़ों में इसका सेफ डोज है 1 छोटा चम्मच। इस दवा की आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो आप इसे 4 बार भी ले सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है कि इसको लेने के बाद आपको हल्का गुनगुना पानी ही पीना है। बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किन कंडीशंस में हमें वासावले का यूज़ नहीं करना है, उसे नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो इसे ना लें, क्योंकि इसमें चीनी या शुगर पाया जाता है। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इसे ना लें। अगर आप वासावले लेना चाहते हैं लेकिन आपको डायबिटीज़ है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मेरे पास वासावले का शुगर फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो मैं आपको आसानी से आपके बताए हुए स्थान पर, आपके एड्रेस पर कुरियर द्वारा भिजवा सकती हूँ। इसके अलावा वासावले से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, इसके डोज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। इसके साथ ही मिलती हूं आपसे अपने अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और अच्छी आयुर्वेद से जुड़ी हुई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।